नमस्कार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग बार बार पूछते हो कि प्रेम की मम्मी यहाँ पर क्यों रहती है। तो प्रेम की मम्मी इसलिए रहती है क्योंकि उनके दोनों बच्चे यहाँ रहते हैं और यहीं से बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। और आपको पता है कि अंजलि का जैसे ही तबीयत खराब हुई, वो सीजर पेशेंट है, तो अभी उतना नहीं कर सकती है। तो प्रेम और समीर यहाँ रहता और शुभम और जो हमारी अनुष्का है, सरस्वती दीदी के बच्चे, वो भी यहाँ रहते। संदीप और महक भी पहले यहीं रहते थे, लेकिन होता है ना, सब सारा बच्चा का पढ़ने में दिमाग नहीं रहता है। तो फिर पहले उन लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे यहाँ रहें, बार बार ले जाते थे, लाते थे, फिर ले जाते थे, लाते थे, इस टाइप से। ये हमारे जो बच्चे हैं पूरा रात भर गेम खेलता है, पूरा रात, ठीक है। और खुद से साइंस चुना है, नंबर अच्छा आया है मैट्रिक में, तो खुद से बोला कि मैं साइंस लूँगा। हमने भी कहा ठीक है, पेरेंट्स खुश हो गए, अगर हैंडल कर पाएगा, अगर तुम सारा सब्जेक्ट कर लोगे तो फिर हमें क्या दिक्कत है। तो सोचिए, साइंस अगर कोई बच्चा लेता है तो फिर बच्चों को कितना मेहनत करना पड़ता। आज इसकी मम्मी इसीलिए यहाँ पर है ताकि अपने बच्चों को अच्छा से देखभाल कर सकूँ, समय में खाना खिला पाऊँ, स्कूल भेज पाऊँ, कॉलेज भेज पाऊँ। और ये देखिए हमारे लाडला, जो जितना यहाँ पर जितने बच्चे सबसे नाजों से इसको सब मिल के पाले हैं। और ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कैसे समझाऊं कि लेकिन सच में आंस बेटा दीदी के साथ खेल रहा है, कैसे इसको क्या बोले, इसको कितना बोलते ठीक से रहो, ठीक से रहो, रहती है कभी बोले क्या, मेरे दो को बेटा रह रहा था, दो को बेटा। देखिए दोस्तों, अभी मैं इनके साथ ही खेल तब से खेल रही हूँ। भाई उनको बोला कि तुम खटिया से उठना नहीं, उठना तो थोड़ा टहलना, फिर सो जाना, काम बाबू। बहुत सारे दोस्त मुझे नहीं लात नहीं मार रहे, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब के दोस्त लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सारे सिर्फ सावित्री दीदी को देते और बाकी दीदियों को क्यों नहीं देते। इनके मुंह से ही पूछिए, कुछ सो ना। अच्छा, तुमको देते नहीं है कुछ? तुमको कुछ नहीं देते? देता नहीं, मेरा दो बच्चा खुश रहता है, उसमें मैं भी खुश रहता हूँ। आपको कुछ नहीं देते? हम लोग देते हैं, लेकिन हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है। लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको दे भी नहीं रहे, जो है वो पहनिए ना, आप ऐसे ही क्यों रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। देखो, हम लोग को पहनने का आदत नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। इतना स्वीट से बोलेगी ना, एकदम मासूम बोलेगी, मासूम सा चेहरा लेके बोलेगी। क्या बोले हम इसको, बच्चा मुँह में हाथ पापा, भूख लगी लो, इसको पकड़ पकड़ पकड़, आंस को पकड़। ये अपनी जगह नहीं, इसको लेटा दिया अपने साथ। लेकिन हम बोले इसके साथ मैं भी खेल लूँ ना, चिल्ला जाके भूआ के साथ सता रहा है। तो इस तरह से है दोस्तों, पता है दीदी को बार बार बोलती, दीदी थोड़ी अच्छी से रहो, इतना 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 अच्छा साड़ी है। अंजलि कभी किसी को मना नहीं करती, कोई दीदी आए नहीं मना, जो पहनना है पहनिए दीदी, अच्छा से रहे। अभी भी अंजलि वही बोली, मैं भी वही बोलती हूँ, लेकिन हमारी जो दीदी है कभी, अरे बाबा रे, हो ना क्या बाबू, उठा रहे हम कौन आ गया रे। वीडियो में देखे तुम्हारा पैर सब फूल गया, पूरा पैर सब फूल गया है, देख रहे हैं तो पैर सब फूल गए, सब दाबते है ना, तो थोड़ा सा ये जैसे फूल तो बेटी आई के लोग, बेटी सरस्वती बेटी दीदी को आती है बिठाने के लिए। तो पापा समझा रहे कि एक दो को बुलाने गए तो कुछ इस तरह से सीन हुआ, इसीलिए दीदी वीडियो देखी, इसका पैर लचक गया है, पैर हाथ पूरा सूजन हो गया है, झोला उठा के चलते चल दिए अपना। चलिए, क्वालिटी है, आप लोग दोस्तों सुन लीजिए, मेरी दीदी को नस बिठाने बड़ी अच्छे से आती है, एक बार अगर छू देना तो वो ठीक हो जाती है, मतलब डॉक्टर ही है, सोच लीजिए, छोटा मोटा छोटा मोटा डॉक्टर सब ना। हम किसी का नहीं बैठाते कि हम बैठ जाएगा। हाँ, वो अथड़ा के इधर उधर नस बैठा तोड़ के अथड़ा के
चलो बैठा 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 देखो अंश बेटा कौन है यार। चलो बुआ गोदी में चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ जा। उठा है, उठा है। बुआ आ गई, हाँ? बुआ आ गई बेटा, हाँ? हैप्पी को, हैप्पी का भी पैर पड़ने। हैं? नहीं तुम ही को देख रहे हो रे, मेरा दर्द नहीं है। तू किसे भाड़ा गाड़ी लेने के लिए आए हो? अच्छा कैसा इंसान है भगवान जाने, सारा मुरा मरे कि नहीं आप लोग की। हाँ हमारा चौधरी घर का जो था वही लोग सब बोला। यही सब के कारण दीदी लोग यहाँ रहते। सब लोग पूछते हैं ना कि दीदी लोग क्यों रहते हैं यहाँ पर, वहाँ जाजी लोग कैसा है कि वो नहीं रहते रखते हैं, यही कारण है। सब बोलते हैं कि दीदी लोग यहाँ रखेगा तो जीजाजी लोग और निठल्ला हो जाएगा, तो लोग है ही इनसे तो क्या करेगा। मार के ले जाए, अब ऊपर से गाँव वाले आके इनको छुड़ाया। उसको वो आदमी टोपी तो सही रहा था ना, इतना गाली देता कोई छुड़ाने भी आएगा तो लोग, इसीलिए तो हम बात ही नहीं करते हैं वो लोग से। क्या बोलेंगे सब जीजाजी मेरा वैसे, इसलिए हम किसी से ठीक से बात करते हैं किसी से। ए अंश बेटा जब भी इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं और दीदी लोग भी रहते हैं, और बार बार आप लोग बोलते हैं कि दीदी लोग यहाँ क्यों रहती है, तो ऐसी स्थिति में हमारी दीदी लोगों का शादी हुआ है। पापा जैसे सके वही बात ना, आज बोल रहे कि आज ये लोग दोनों भाई बहन ने क्या किया, दोनों भाई बहन मतलब आप शादी कर लिया, ये कर लिया, किसी को पता नहीं चला। तो ये लोग थी तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? ऐसे ऐसे हमारे साथ अभी हो रहा है, वर्षी की क्या बोले बता नहीं सकते। डेली आप लोग कहाँ थे तब? तो ये लोग थी ना, तीन तीन दीदी को, तीनों दीदी का नसीब ऐसा हुआ। कोई भी सही कभी नहीं गई क्योंकि तीनों में से किसी को भी बोला। जब भी आते हैं दीदी लोग तो ऐसे नहीं आती मिलने। चले जो है, एक तो है छोटे जीजाजी, इस सबसे तो दूर है, कम से कम खाना पीना एकदम कैसे भी है सबसे शांत और अच्छे। आप लोग जो वीडियो भी देखते होंगे, नहीं तो सब ऐसे है कि क्या बताएं। और हम लोग गांव घर के है ना, पति वर्तन नारी बहुत है, इतना मारती है बेचारे को। फिर भी कभी अगर ये जाके पुलिस स्टेशन या कहीं पर बोलेंगे ना तो बगल वाले लोग ही बोलते हैं तुम अपने पति को घुसा दिया, तुम अपने पति को मार दिया, तुम अपने पति को जेल में घुसाएगा। बताइए ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, क्या बोले। इच्छा कुछ इच्छा ए दीदी चाचा बोला ना कुछ ना नाश्ता कर दे। जब दीदी तुम क्यों रो रही है रे, हैं सब ठीक होगा, बच्चे लोग को सिर्फ बड़े होने दो। तुम्हारी अनुष्का और सुबह बड़ा हो के दिखाएगा कि हम लोग कौन है कि नहीं सोना। मामा तो लगे हुए पीछे, मामा लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, तुम तो लगी हुई हो ही, बच्चे लोगों के लिए ना इतना कर दिए। दोस्तों अभी दीदी चाय पी रही है, अंजलि बनाई, और मतलब क्या बोले, उनके दुख सुन के मेरी भी आंखें भर आई। भाई का भी वही हाल है, मतलब वो आप लोग बार बार बोलते हो ना, लक्खी दीदी यहाँ क्यों रहती, सरस्वती दीदी यहाँ क्यों रहती, तो क्यों का जवाब आप लोग को शायद मिल गया होगा, इसलिए दीदी लोग यहाँ रहती है। मतलब तीनों तीनों जीजाजी मेरे उस टाइम कोई किसी ने साथ नहीं दिया कोई। अभी बहुत सारा हमारे यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती कि हमारी एक एक दिन हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे बीत रहा है, क्या नहीं, खास करके भाई के साथ। तो
उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलने आया, जब भाई ने किया तो फिर कुछ अलग ही सीन हो गया। और अभी देख सकते हैं इतने बड़े परिवार, भाई ही देख रहे हैं। और अगर उस टाइम जो अभी दिखा रहे हैं सब एकता, उस टाइम अगर दीदी लोग के टाइम अगर सब एकता दिखाते तो शायद हमारी दीदी लोग की ऐसी हालत ना होती, थोड़ी सी स्थिति में सुधार होती, अच्छा लड़का मिलता। जैसे भी हो, आप भाई ने कहा है कि कैसे करके मैंने दीदी लोगों का शादी, पापा ने शादी दिया है। आप वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बोले होंगे भाई कि पापा मम्मी कैसे करके शादी दिए, कैसे पार हुआ। तो इस तरह से मतलब देख के उसका बॉडी का जब देखे ना पार्ट, जब वो दिखाई कि ऐसे ऐसे जगह उसको मार मिला। और हमेशा से जब भी दीदी लोग आती है तो मार खा के ही आती है, ऐसे ऐसे बॉडी में जगह में जो वो दिखा नहीं सकती किसी को, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब ऐसे जो। इसलिए मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सच में। और बस मैं भी जितना हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ। और भाई को, भाई का तो आप देखते ही रहते हो, सारे बच्चे को यहाँ पर रखे हैं। और रही सवाल हमारी जो बड़ी दीदी लोगों के, तो बच्चे लोगों को भी हम लोग यहीं रखे थे, लेकिन किसी को होता है ना बच्चा छोड़ के नहीं रहते, नहीं रह पाते हैं पेरेंट्स, तो बार बार ले जाते थे, तो बच्चे लोग को अभी मन यहाँ नहीं लगता था, जिसके कारण वो दोनों वहाँ पर रहे। लेकिन यहाँ पर भी छोटे में जो है, तो हम लोग दोनों सोना और मैं हमेशा उन दोनों को पढ़ाने का हमेशा ये में थे कि नहीं वो लोग भी अच्छा से पढ़े। ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत ख़राब लग रहा है, अभी ज़्यादा बोलूँगी दीदी सुनेगी तो फिर बेचारी रोने लगेगी, क्योंकि जब भी उनसे कुछ भी पूछ रहे हो तो सिर्फ उनकी आँख से आंसू आ रही है और कुछ भी नहीं। सोचिए कि तो कैसे बीता होगा कि बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।